भी नहीं मिल पा रहा था, काफी छोटा है और सर्दी भी है, लेकिन इस बार मैं इस शादी में आई हुई हूँ, सगाई में सॉरी, तो मैंने सोचा आप लोगों से मिल लेती हूँ। और काफी दिन हो गए, आप भी कह रहे हो कि सुधा पवन त्यागी तो गायब ही हो गई है, और मैं गायब नहीं हुई हूँ, मैं आऊंगी, लेकिन कुछ टाइम की प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो छोटा बेबी, बेटा इधर देखा ना, इसकी वजह से मैं गायब हो गई थी, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट करूंगी और मैं आपको दिखा दूं, अरेंजमेंट काफी अच्छा है, तो आप देखिए। हेलो फ्रेंड्स, तो ये सब होने के बाद खाना खा तो लिया था, थोड़ा बहुत जो भी खाना था, उसके बाद हमने सोचा चलो फ़ोटो सेशन कराते हैं। ये मिक्की की मौसी हैं, तो मिक्की ने सबसे पहले इनके साथ फ़ोटो खिंचाया, फिर मैंने भी अपने साथ पिक ली इसकी, और अलग अलग पोज बनाए, कभी बैठकर, कभी उधर ये बीच में सोफे, मतलब जो भी लोकेशन थी, ज़्यादा पूरी लोकेशन का तो एन्जॉय नहीं कर पाए। जो गाड़ी मेरे पीछे है ये दी गई है शादी में लड़की की तरफ से, तो फ़ोटो करा लिए हैं हमने अलग अलग पोजीशन में, और मिक्की तो बहुत खुश है। तो अब हम यही करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय बाय। और ये हैं हम तीनों बहनों, हमारी तरफ से आपको हैप्पी डे, ओके बाय बाय।